वो देखा। गुड मॉर्निंग फ्रॉम श्रीनगर। कल रात को हम 9 बजे पहुंच गए थे श्रीनगर में और हमने लिया था हाउस बोट, ये पीछे है ओयो रूम से हमने बुक कराया था हाउस बोट और बहुत ही शानदार था। और ये डल लेक के बैक साइड पे है, थोड़ा दूर था लेकिन हमारी बाइक पार्क हो गई थी जिस वजह से हमने ये हाउस बोट लिया था। और ये मेरे सामने है डल लेक और पीछे देखिए सारी हाउस बोट हैं। तो प्रोग्राम ये है कि हम रेडी हैं राइड के लिए, अभी हमने नाश्ता करना है, नाश्ता करके फिर हम निकल जाएंगे और अभी जाएंगे हम जीरकपुर और कोशिश करेंगे दिल्ली पहुंचने की। अगर टाइम से अगर रास्ता साफ रहा, बारिश नहीं मिली तो हम कोशिश करेंगे दिल्ली पहुंचने की। और हम रेडी हैं राइड के लिए, लेकिन उससे पहले हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, वो भी हाउस बोट पे। ये देखिए डल झील के किनारे, ये डल झील के किनारे ये ब्रेड ऑमलेट और चाय और हम खा पी के फिर निकलेंगे। ये पीछे देखिए पूरी डल झील है और ये पीछे हमारे हाउस बोट और ये बालकनी पे बैठ के हम हाउस बोट की बालकनी में बैठ के हम अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, जिसका मज़ा ही कुछ हो रहा है यार। श्रीनगर आओ और हाउस बोट ना रुको, मज़ा नहीं है। फिर हमारी पैकिंग हो चुकी है, कल रात को हमने यहीं बाइक पार्क कर रखी थी, तीनों बाइक हमारी खड़ी हैं और हाउस बोट हमारा ये सामने है पीछे। तो बैक साइड में लेने का यही हमारा मकसद था कि हमारी बाइक पार्क सेफली पार्क हो जाए। सामने गेटेड है, गेट के अंदर आके हमने बाइक पार्क करी है। तो हम रेडी हैं राइड के लिए, 10:30 बज चुके हैं, अब हम निकल रहे हैं। पहले फ्यूल डलवाएंगे और उसके बाद निकल जाएंगे सीधा नॉन स्टॉप दिल्ली के लिए, अगर बारिश ना मिली तो। बारिश मिले तो फिर कहीं रुकना पड़ेगा हमें। आज की राइड हमारी शुरू होती है और ये सामने है हाउस बोट, सामने देख लिए। तो हम चल रहे हैं अपने घर को, दिल्ली को, और ये गेटेड पार्किंग थी, कल रात को हमने गेट के अंदर बाइक पार्क करी थी। हाउस बोट में बस वही समस्या पार्किंग की थी जो हमने सॉल्व कर ली थी। हमने पता किया था कि पार्किंग हो जाएगी तो भाई ने कहा हाँ पार्क हो जाएगा, तभी हमने ये थोड़े बैक साइड पे लिया था। आप ओयो रूम पे जाके हाउस बोट को बुक कर सकते हैं, ओयो रूम पे अवेलेबल है हाउस बोट्स, या ऑनलाइन गूगल पे जाके भी आप बुक कर सकते हैं, वहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाती है, बहुत सारी आपको चॉइस मिल जाती है। तो ये आप देख रहे हैं श्रीनगर, श्रीनगर की गलियाँ और मौसम, आज देख ही रहे हैं बादल छाए हुए हैं। लास्ट 2 दिन से यहाँ खूब बारिश हो रही थी, तो हजरतबल रोड पे जाना है हमने। और ये कोई कॉलोनी है हजरतबल रोड के पहले पीछे। गाइस आज हमारी राइड का day 11 है और लास्ट डे है हमारी राइड का, हम जा रहे हैं दिल्ली। तो अब अगर आपको ये सीरीज पसंद आए हो तो प्लीज़ 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 कोई कमेंट करना मुझे, और कोई भी आपकी क्वारी हो तो प्लीज़ मुझे बताना। अभी मैंने अपनी बाइक की चेन भी टाइट करानी है, मोर देन 2500 किलोमीटर चल चुकी है। अभी हम हैं कश्मीर में और अपनी बाइक में पेट्रोल फुल करवा रहे हैं, यहाँ से फिर निकलेंगे सीधा। तो यहाँ पे रेट है 104.66 रुपये। हमने अभी कारगिल में डलवाया था पहले और कारगिल के बाद यहाँ पे बस 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 फ्यूल का हो गया है पाम पूरा, पूरी टैंक फुल करा लिया। अब 300 किलोमीटर तक सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद फिर डलवाएंगे, चलते हैं आगे। सीधा रास्ता जाता जम्मू को, पहलगाम जम्मू, और हमने जाना है दिल्ली। और नेशनल हाईवे 1 पे हम आ गए हैं और यहाँ से अब सीधा हम निकलेंगे दिल्ली को। मेन श्रीनगर सिटी से हम बाहर आ गए हैं और ये हाईवे आ गया है नेशनल हाईवे 1। तो
हमारी राइड शुरू हो चुकी है, जो कि है दिल्ली को, श्रीनगर से दिल्ली, श्रीनगर टू दिल्ली। नॉन स्टॉप राइड रहेगी हमारी, रात को पता नहीं कितने बजे पहुंचते हैं, देखते हैं। और लेट चले, अगर जल्दी चलते तो जल्दी पहुंच जाते। अनंतनाग 31 और जम्मू 241। तो हाईवे काफ़ी अच्छा बन गया है। तो ये टोल प्लाजा आ गया है, फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ। 2018 में तो नहीं था, लेकिन मैं 2018 में गया नहीं था यहाँ से। ये देखिए टोल 45 रुपीज़ है, कार का। बाइक फ्री है, बाइक फ्री है, बाइक का एक बेनिफिट है, फ्री है बाइक टोल प्लाजा पे। सिर्फ एक्सप्रेस वे पे बाइक का चार्जेज लगता है, बाकी नहीं लगता। जम्मू यहाँ से 225 किलोमीटर है, लेकिन हमने जम्मू नहीं जाना, हमने बाईपास कर देना जम्मू को, नहीं तो जम्मू गए तो 2-3 घंटे हमारे ख़राब हो जाएंगे। एक बार हाईवे मिल जाए एक, फिर तो फटाफट छूट देंगे। दूसरा भी बाइक का मैंने चेन टाइट करानी, कोई बाइक दिखाई नहीं दे रहा कोई भी शॉप मुझे। और इस टूर पे तो भाई बाइक ने जो साथ दिया है सोच भी नहीं सकते हम। ऐसे ऐसे रास्ते से गए हैं हम। ये देखो बैट की दुकान, सारे बैट्स ऊपर लगे हुए हैं लकड़ी के, ये सारे बैट मिलते हैं यहाँ पे। कश्मीर से जो भी बैट लेके जाते हैं यहाँ इसी रूट से लेके जाते हैं, बहुत सारे बैट बनाते हैं यहाँ पे। अल्फा बैट फैक्ट्री, बैट ही बैट है यहाँ पे। इस पे वो छत पे देखो आप, ढेर लगा हुआ लकड़ियों का। ये सामने देखो, ये देखो पूरा बैट ही बैट बनते हैं यहाँ पे। ये देखो ये रहा बैट बैट। अभी हम हैं पुलवामा में, पुलवामा जहाँ से बहुत ही ख़तरनाक टेररिस्ट अटैक हुआ था, यहाँ पे पूरी CRP की एक गाड़ी को उड़ा दिया था। बहुत ही ख़तरनाक अटैक था इस पुलवामा में, यहीं पे हुआ था आसपास कहीं। हम बाइक की टायर की तो दुकान आ गई, बाइक की नहीं मिल रही यार। एक बार चेन टाइट करा लो बस, उसके बाद सुटन सुट नॉन स्टॉप जाऊँगा। 7 साल से ये हाईवे बन रहा है और अभी भी कई पैचेस बनने बाकी हैं। ये पुल बन रहा है देख लो भाई साहब, 7 साल में भी ये पुल ही बन रहा है। नेशनल हाईवे है ये, सेंटर की जिम्मेवारी है, जबकि क्या कर सकते हैं भाई साहब। ये देखिए, और दोनों तरफ खेत हैं, ग्रीनरी है। अभी हम अनंतनाग की तरफ बढ़ रहे हैं और आई थिंक 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे अनंतनाग। तो बनियाल यहाँ से 36 किलोमीटर है, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं काजीकुंड, जो टनल नहीं बनी है। काजीकुंड टनल से जाएंगे तो काफ़ी समय बच जाएगा, देखते हैं। उस पर टोल है, बाइक पे है कि नहीं है ये नहीं पता। काजीकुंड टनल के लिए कहाँ से जाना, टनल ये टनल नहीं जो बना है वो कौन सा है, हाँ नहीं छोड़ रहा वो जा तो रहा है। वो टनल सर, टनल पे नहीं जा रहे थे, पाँच दिन बंद है। बंद है, बंद है यार, आर्मी वाले भी यार अपने चक्कर में पब्लिक को क्यों दुखी करते हैं। हमारा पंगा है, सपना ही रह गया टनल के अंदर से जाने का। ये ऊपर से वहाँ से रास्ता जा रहा है टनल के लिए, मगर टनल पे नहीं जाने दिया जा रहा है, ड्यू टू विजय दिवस का प्रोग्राम है, 5 दिन के लिए टनल बंद कर दिए हैं। सोच रहे थे आधा रास्ता रह जाएगा, 2 घंटे बच जाएंगे, लेकिन नहीं, हाँ तो हमारी बाट लगनी ही लगनी है। कश्मीर के पहाड़ बिल्कुल हरे भरे हैं, और लद्दाख और कश्मीर में यही फ़र्क है।
लद्दाख के बिल्कुल बंजर हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, और यहाँ पे बिल्कुल हरे भरे पहाड़, पूरा ग्रीनरी और फुल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये व्यू देख लो भाई साहब, बहुत ही प्यारा व्यू है, और इस समय ग्रीनरी बहुत है क्योंकि रेनी सीजन चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत ही खूबसूरत है यार। चलते हैं, टनल अहेड, नो डबल लेनिंग। तो आगे आएगी टनल, जवाहर टनल, और 10 मिनट वेट करने के बाद जवाहर टनल को खोल दिया गया है। पता नहीं अभी बंद कर रखा था। ये है जवाहर टनल 2.5 किलोमीटर की। निकल गए बाहर जवाहर टनल से। अभी ये साइड में खड़ा कर रखा है, अब हमारे निकलेंगे फिर इनका नंबर आएगा। एक एक बार निकाल रहे हैं। तो यहाँ काफ़ी, आधा घंटा ख़राब हो गया मेरा। चेन टाइट करा ली है और मेरे 2 बोल्ट गिर गए थे सैडल स्टे के, वो भी लगवा लिए। तो ये बनियाल में मैंने ये काम कराया है, तो बनियाल से हम निकल गए हैं। अभी तक रामबन के अंदर आता है बनियाल, तो रामबन कुछ ही किलोमीटर रह गया है, तो रामबन में शायद कुछ खाएंगे पियेंगे। भाई लोग आगे हैं, देखते हैं मिलते हैं नहीं। लैंडस्लाइड एरिया, ड्राइव केयरफुली, उसमें क्या ड्राइव केयरफुली, ये स्लाइड हो गया जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं। बहुत ट्रैफिक है भाई साहब, अभी बनियाल के बाद तो यार इतने ट्रैफिक, इतना ट्रैफिक, ये ट्रक ही ट्रक है, ट्रक ही ट्रक। पता नहीं सुबह तो नहीं मिला हमें, और आर्मी मिलेगी यहाँ पे। तो 2:45 हो चुके हैं, अभी हम कश्मीर को ही नहीं क्रॉस कर पाए तो दिल्ली क्या पहुंचेंगे भाई साहब। हमें जल्दी निकलना चाहिए था, रात को तो प्लान बनाया नहीं। अब गर्मी शुरू हो गई है, गर्मी लगने लगी। जम्मू अभी भी 155 किलोमीटर है। वाव 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 वाव, 250 किलोमीटर आए हैं अभी तक। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। 4 घंटे में सिर्फ 100 किलोमीटर आए हैं, समझ नहीं आया। ये बनियाल के बाद रास्ता खा गया भाई। इस 100 cc वाले ने तो रेल बना रखी है भाई साहब, क्या तूफान चला रहा है। कोई गाड़ी, कोई ट्रक, कोई कुछ नहीं देख रहा, धड़ा धड़ क्रॉस कर रहा है। बड़ा हैवी ड्राइवर है भाई, ये देखो खड्डे कुछ नहीं देख रहा वो। तो देखा गिरा ना, बहुत तेज भाग रहा था, बहुत तेज, बच गया अभी। ये लग ही रहा था कहीं ठुकेगा, इतनी तेज चला रहा था, मेरे को भी बहुत तेज क्रॉस करके गया पहाड़ों पे 100 cc से। भाई साहब इसने तो तूफान मचा दिया था, बचाव हो गया बच। वो तो छोटा सा वो था, हाँ छोटा थी, अगर ट्रक ट्रक के नीचे आ जाता फिर। तो रामबन पीरा में पहुंच गए हैं।